हालांकि मैं भी अभी जो है डाउन विथ फीवर हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि लोग पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर केसेस ज़्यादा होंगे तो आपके लैब्स जो हैं कम्प्लीटली फिल्ड अप है, लैब्स रिपोर्ट आने में भी लेट हो रही है। तो इस केस में मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बता सकता हूँ जो आप करेंगे और जो मैंने भी किया है, और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि कोविसेल्फ नाम से जो माई लैब का एक जो किट आता है, रैपिड एंटीजन किट आता है, या एसडी बायोसेंसर का जो है कोविड-19 एंटीजन किट आता है, तो इस किट से जो है आप खुद से ही घर में बैठ के टेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आप 100% पॉजिटिव हैं। और अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी, जो कि कंफर्म किया जाएगा आरटीपीसीआर के थ्रू। लेकिन ये ओमिक्रॉन के बारे में नहीं बताएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बताएगा कि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, जो कि आपको आरटीपीसीआर बताता है लैब वाला। तो आप घर में ये टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा फिर उसको जो है आप आईसीएमआर का साइट है उसमें जाके आप अपना डाटा एंट्री करके, लॉग इन करके, डाटा एंट्री करके फिर आप उसमें अपना हर जो है फिलअप करके फिर आप एक जो है कोविड पेशेंट, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर कोविड पेशेंट में आपका नाम आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, या अगर माई लैब का अगर आप लेते हैं कोविड एंटीजन किट, तो उसमें जो है स्कैनर दिया हुआ है, वो स्कैन करके और उसका डाटा फिल करके ये भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सहज प्रोसेस है, मैं खुद करके आपको बताऊँगा। मैं अभी आप देखेंगे कि मैंने कैसे किया है ये, मेरी तबीयत तो उतनी अच्छी नहीं है, मुझे भी लग रहा है ये पॉजिटिव आएगा, इसीलिए अगर आप ज़्यादा लग रहा है कि नहीं जा पा रहे हैं या टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट और अमेजन, अपोलो फार्मेसी, ये सब बहुत जगह से अवेलेबल है। 250 रुपये दाम है इसके, तो मैं जानबूझ के इसीलिए आज आपको ये बताने आया हूँ कि आप खुद परेशान ना हो, इससे भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने इसका लिंक भी दिया है, मैं तो खुद करके दिखा दिया हूँ, और एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसे भी आप देख लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, जो किट होता है, कैसे किया जाता है, किट से कैसे होता है। तो मेरे पास अभी आप देखेंगे कि ये कोवी शेल्फ है, ये कोवी शेल्फ माई लैब का है, ये कोवी शेल्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। अब हमको जो है एंटीजन टेस्ट, मतलब हम उसको बोलते हैं RAT, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और एक जो लैब में होता है वो RT-PCR होता है। तो ये सब टेस्ट से पता चलता है कोरोना वायरस के बारे में, उसके वेरिएंट के बारे में पता नहीं चलता है, मतलब डेल्टा है या ओमिक्रॉन है ये नहीं पता चलेगा। अगर इसमें पॉजिटिव आता है इसमें, इसका मतलब है कि हमको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना का इन्फेक्शन। अगर निगेटिव आता है और आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं, सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है आपका वायरस से, मतलब कि कोविड से, और इसमें निगेटिव आता है, तो फिर जो है हम लोग बोलते हैं कि रीअसेस करा लीजिए। पॉजिटिव मतलब 100% पॉजिटिव, निगेटिव मतलब है कि मतलब हो भी सकता है निगेटिव, या इसको आप रिकन्फर्म करा लीजिए अगर आपको लगता है कि मेरा सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है कोविड इन्फेक्शन से। तो चलिए इसको हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, तो आपके सामने ही मैं अभी खोल के दिखाऊंगा, आप इसे अभी देखेंगे। ये आई थिंक बुकलेट दिया हुआ है, बुकलेट जो है इसमें दिया हुआ कैसे करना है, और ये जो है मेन जो है टेस्ट किट यही है। ये स्वैब है, जो नेजल स्वैब जो हम लोग लेंगे, नाकों से जो स्वैब लेंगे, यहाँ पे इसके एंड पे देखिए कॉटन जैसा लगा हुआ रहेगा, पेपर जैसा, तो ये जो है एंड नाक में जाएगा। ये जो है इसमें लिक्विड है, मतलब नाकों से जो स्वैब लेंगे उसको इस लिक्विड में डाल देंगे और फिर उसके बाद यूज़ करेंगे। और ये फाइनली है कि जब सब कुछ हो जाएगा तो इसमें पैक करके इसको अच्छे से डिस्पोज कर देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसे इसे कैसे फाड़ना है, हाँ इसे अगर हमने ऐसे फाड़ा, इसमें जो है बफर होता है, एक्सट्रैक्शन बफर है, देखिए ये लिक्विड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो ये लिक्विड है। अब क्या करना है कि इसको मैं इस पर रख देता हूँ, इस पर तो नहीं आ रहा है, ठीक है मैं इसको ओपन करके रख सकता हूँ या हल्का सा खोल के, इतना पहले नाक से मैं ले लूँ। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉटन वाला है या जो पेपर वाला पीस है वो जो है सामने होना चाहिए। इसको ओपन करने का तरीका अच्छा, इस तरफ से तो नहीं खोलना चाहिए था मुझे, पीछे से खोलना चाहिए था, क्योंकि इसको जो है स्टेराइल रखना है, इसको किसी से टच नहीं करना है एक्सेप्ट नाक से।
सिर्फ, तो इसीलिए मैं देखिए उसको टच नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये जो है इसको मैं नाक में इंसर्ट करूँगा और उसके बाद रोटेट करूँगा। तो मैं आज अपना टेस्ट करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप देख ही रहे होंगे मेरे चेहरे से मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल सोचा चलिए आप लोगों को बता दूँ। देखिए इसको अंदर तक ले जाके थोड़ा इसमें घुमाना है। थोड़ा देर रोक सकते हैं, फिर इसको निकालो। अब इसमें भी ले सकते हैं, दूसरे नाक में भी आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें इसमें डालेंगे और क्या करेंगे, इसको जो है यहीं से तोड़ने का है। ये यहीं पे ब्रेक कर जाएगा। अब ये देखिए कि इसमें टूटा हुआ है, वो टुकड़ा जो है अंदर में है, और इसको हम फिर बंद कर देंगे। और फिर बंद करके थोड़ा सा जो है इसको शेक करेंगे, यहाँ प्रेस भी करेंगे, शेक करेंगे। अब क्या करेंगे कि ये लगा दिए जो कैप, इसमें जो दिया हुआ था ये कैप साइड वाला, इसको लगा दिए। और फिर इससे हम लोग जो है इसको ये टेस्ट जो है इस पर हम दो बूंद इसमें ये डालेंगे। दो बूंद हमने डाल दिया। अब हम इसे एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद जो है फिर देखेंगे। एग्जैक्ट जो है टाइमर ऑन कर देंगे आप 15 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए दो लाइन बना हुआ है, टी और सी। सी मतलब है कि कंट्रोल, तो कंट्रोल में तो लाइन आएगा ही। मतलब अगर कंट्रोल में लाइन नहीं बना, रेड कलर का जो लाइन है वो नहीं बना, इसका मतलब है कि ये किट ही ख़राब है। और अगर कंट्रोल में आया और टेस्ट में आया, इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं। कंट्रोल में आया या टेस्ट में नहीं आया, इसका मतलब आप निगेटिव हैं। और हल्का भी अगर आता है आपका टेस्ट में फेंट लाइन भी, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव हैं। अब इसका पॉजिटिव मतलब आपको मान लेना है कि 100% यू आर पॉजिटिव। लेकिन इसका निगेटिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये निगेटिव आता है फिर भी आपको साइंस एंड सिम्टम्स है तो कन्फर्म होगा RT-PCR से। लेकिन ये सारी चीज़ें, या इधर रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात हो या RT-PCR टेस्ट की, ये सब COVID-19 जो है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन के बारे में बताता है, वेरिएंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा कि ओमिक्रॉन का है या तभी देखिए आई थिंक मेरा जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, आप देख रहे होंगे। अभी आप देखिए आपके सामने ही दिख रहा है ये लाइन पॉजिटिव। मुझे लग भी रहा था, कल मैंने लाइव भी किया था। ऐसे भी मैं आइसोलेट हो गया हूँ घर से, इसी रूम में मैं हूँ। तो ये जो है इसको अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो फिर माई लैब ऐप डाउनलोड करके उसमें सारा डिटेल्स भर सकते हैं, तो वो आ जाएगा। और इसका जो है स्कैन कर सकते हैं, जो स्कैनर दिया हुआ है यहाँ पे उससे स्कैन। तो आप देखिए कि टेस्ट पे भी पॉजिटिव आया है और कंट्रोल भी पॉजिटिव आया है, मीन्स आई एम पॉजिटिव।